बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं आज के डेटा की। डेटा काफ़ी लेट होता है, इसलिए मैं वीडियो में ऐड नहीं कर पाता हूँ और बाद में मुझे एक अलहदा से सेपरेट वीडियो बनानी पड़ती है ताकि डेटा की अपडेट भी आप तक कर सकूँ। तो जनाब, शुरुआत करते हैं सेटलमेंट रेशियो से। आपके सामने आज भी 59% रेशियो है मार्केट का। ओवरऑल काफ़ी दिनों से 59% जो है फॉलो कर रहा है सेटलमेंट रेशियो, और सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब 69% MBBL का, TGL का 71%, 67% PSO का, और सबसे कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है 33% HBL का और 36% TRG का। बाकी ओवरऑल रेशियो अच्छा है, 59% है जनाब। आपके सामने आज का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा, TP/Lipi डेटा मौजूद है 21 फरवरी का। आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है बाई के ऊपर है, 0.12 मिलियंस की इन्होंने नेट बाइंग की है, और जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो है 0.05 के साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर, और जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है 0.06 मिलियन की वो है सीमेंट सेक्टर। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं लोकल डेटा की। तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की आज नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.27 मिलियन की नेट इनकी सेलिंग है। जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है अच्छी सेलिंग 0.16 के साथ वो है टेक्सटाइल, और जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है 0.21 मिलियन की वो है सीमेंट सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन आज भी बाइंग के ऊपर है, 0.29 मिलियन की नेट बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है 0.21 मिलियन की वो है ऑयल एंड गैस। इसके बाद हम बताएं बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन बाई के ऊपर है, आज भी बाइंग की है 0.22 मिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने अच्छी बाइंग की है 0.11 मिलियन की वो है सीमेंट सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन आज भी बाइंग के ऊपर है, शॉर्ट क्वान्टिटी बाइंग की है 0.03 मिलियन की नेट बाइंग है। जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने अच्छी बाइंग की जनाब 0.14 के साथ वो है टेक्सटाइल, और जिस सेक्टर के इन्होंने सेलिंग की है 0.25 मिलियन की वो है सीमेंट सेक्टर, और 0.19 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन आज सेल के ऊपर है, 0.08 मिलियन की नेट सेलिंग है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन आज सेल के ऊपर है, 0.26 मिलियन की नेट इनकी सेलिंग है। जिस सेक्टर के इन्होंने अच्छी सेलिंग की है 0.22 मिलियन की वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज का। इंश्योरेंस कंपनीज की आज भी नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.13 मिलियन की इनकी नेट सेलिंग है। तो जनाब ये था आज का TP/Lipi डेटा। तो आज जो मुझे सेक्टर एक्टिव लग रहे हैं जिनके अंदर बाइंग हुई है वो है फर्स्ट सीमेंट, और सेकेंड है ऑयल एंड गैस, और कुछ बाइंग टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी हुई है। ठीक है ना, तो ये था आज का TP/Lipi डेटा सेटलमेंट रेशियो। अब देखते हैं टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या कहता है। जनाब आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट का जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो इंक्रीज हुआ है 0.4%, प्राइस भी डिक्रीज हुई है। इसका मतलब है कुछ शॉर्ट पोजिशन को ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जनाब, और जिस कंपनी के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है वो है 5.9% इंक्रीज़ हुआ है TRG का। TRG की प्राइस डिक्रीज हुई है और TRG के अंदर शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जनाब मेरे पास 3.3% डिक्रीज़ हुआ है यूनिटी का, और यूनिटी की प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है, तो मतलब है अनसर्टेन पोजिशन है। इसके बाद -2.0% डिक्रीज़ हुआ है PSO का, प्राइस भी डिक्रीज हुई है, इसका मतलब अनसर्टेन पोजीशन है। उसके बाद ट्रीट का 2.0% इंक्रीज हुआ है, ट्रीट को फॉलो नहीं किया इसलिए कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद OGDC का -3.1% डिक्रीज हुआ है। ठीक है जनाब, तो ये था टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा, TP/Lipi डेटा, सेटलमेंट रेशियो। अब आपके साथ शेयर कर देता हूँ।